नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बिग बी के संदर्भ में मैंने पहले भी दो वीडियो डाले थे और उनकी सेहत को लेकर के और आने वाले समय को लेकर के उसमें मैंने फोरकास्ट किया था। आज ये वीडियो मैं उनके वर्तमान समय को लेकर के कैसे हालात रहने वाले हैं उस पर लेकर आया हूं। दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप सबको पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके साथ में उनके परिवार के और भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में हमारे सारे दर्शकों की ये चिंता थी कि अब उनकी सेहत में कैसे सुधार होगा, कब तक वो डिस्चार्ज होंगे, कब अपने घर आएंगे। तो आज उनकी कुंडली के आधार पर दोस्तों मैं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के सामने आपके इन प्रश्नों का जवाब लेकर के आया हूं। दोस्तों, 14 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक का समय उनके लिए सेहत को लेकर के थोड़ा सा चिंता का है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है जिसको लेकर के हमें यहां पर बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़े। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब जब उनकी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा का प्रतिअंतर आया है हर महादशा के अंदर, तब तब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और कोई ना कोई बड़ी सेहत संबंधी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है। चाहे वो कुली के समय की घटना हो, जब उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उनको एक बहुत बड़ी शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उस समय भी दोस्तों सूर्य और चंद्रमा उनकी अंतरदशा में थे और वर्तमान में भी उनको सूर्य और चंद्रमा की एक प्रतिअंतर भी आ रहा है, जिसकी वजह से उनको ये शारीरिक पीड़ा देखनी पड़ रही है। दोस्तों, 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक का समय उनके लिए हॉस्पिटलाइज होने वाला है, यानी कि यहां पर उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा 27 जुलाई तक। 27 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल का एक प्रतिअंतर उन्हें आरंभ होगा, मंगल उनकी कुंडली के अंदर अष्टम में बैठे हैं, ऐसे में मंगल उन्हें इस परेशानी से बाहर जरूर लेकर आएंगे और 27 जुलाई के बाद आप उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता हुआ भी देखेंगे। दोस्तों, 27 जुलाई के बाद उनकी स्थिति के अंदर बहुत तेजी से सुधार होगा और दोबारा से वो सामान्य स्थिति में भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो समय उनका अभी शुरू हुआ है, जो सूर्य और चंद्रमा का एक प्रत्यंतर भी है, उसके संदर्भ में दोस्तों मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों, अगस्त 2019 से उन्हें एक अंतर आरंभ हुआ है, जिसके कारण से ये बार बार उनको शारीरिक पीड़ाएं आ रही हैं। पहले उनको आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अब ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये पूरा का पूरा समय उनका अक्टूबर के एंड तक रहेगा, यानी कि अक्टूबर माह जैसे ही खत्म होगा इस साल का, उसके बाद इन्हें शारीरिक पीड़ा से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो वर्तमान समय से लेकर के अक्टूबर तक का समय है, ये समय उनके लिए बेहद कष्टकारक है। शारीरिक पीड़ाएं यहां पर उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक चीज ठीक होगी तो कोई दूसरी चीज, दूसरी ठीक होगी तो कोई तीसरी चीज, यानी अक्टूबर तक का समय उनको शारीरिक पीड़ाएं देने वाला है। और ये छोटी मोटी पीड़ाओं का भी समय नहीं है दोस्तों, ये बड़ी पीड़ाओं का है, क्योंकि सूर्य उनकी कुंडली के अंदर अष्टम में बैठ करके न सिर्फ यहां पर उनको पीड़ा देता है, बल्कि मंगल बुध जैसे अच्छे प्लैनेट को भी उनको यहां पर अस्त करके बैठा है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर सूर्य और चंद्रमा का ये जो अंतर उनको आता है, और चंद्रमा उनकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है, भाग्य स्थान पर बैठा है और छठे भाव का मालिक भी है, ऐसे में दोस्तों यहां पर पीड़ा का आना निश्चित तौर पर बनता है और यही कारण है कि उन्हें इस समय पर ये समय देखना पड़ रहा है। दोस्तों, 27 जुलाई के बाद में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे और अक्टूबर माह तक का समय उनको पीड़ा देने वाला है, यानी इस पीड़ा से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना है, फिर कोई दूसरी पीड़ा आने की संभावना बनती है। यानी कि अक्टूबर माह इस साल का जो आ रहा है, तब तक उन्हें अपनी सेहत को लेकर के ध्यान जरूर रखना है और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेकर के उन्हें अपने ग्रहों के उपाय भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां ग्रहों के कारण से आ रही है और उसका मुकाबला करने के लिए जो हमें ग्रहों की ताकत चाहिए वो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से ही मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बिग बी के आने वाले अक्टूबर माह तक के समय को पूरा डिटेल में यहां पर एनालिसिस करके बताया है कि कितना समय उनका किस तरह का है, कब उनको हॉस्पिटल से रिलीफ मिलेगा और कब बाद में भी उनको सावधानी रखने की जरूरत है, और अक्टूबर माह के बाद में वो निश्चित तौर पर इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे यदि वो अपने उपाय करेंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट
प्रॉपर तरीके से यदि काम किया तो यहां पर अक्टूबर माह के बाद में वो हम सबके बीच में दोबारा से हंसते खेलते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि मैंने एक अपने वीडियो में बीच में कुछ समय अक्टूबर माह का एक ऐसा बताया है 2 से 3 दिन का जो मार्केश योग बना रहा है, उस समय का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों उपायों से हम आने वाली परिस्थितियों को, ग्रहों की परिस्थितियों को हम विशेष तौर पर नियंत्रित कर सकते हैं यदि उसका सटीक समाधान किया जाए तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले समय में बिग बी के साथ कैसा कैसा क्या रहने वाला है उसके संदर्भ में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ईश्वर करे वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो और हम सबके बीच पुनः लौट करके आए। अगले वीडियो में आपसे और नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।